हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। उधर फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रोड शो होगा। सीएम का ये रोड शो दोपहर 3 बजे शुरू होगा। सीएम के रोड शो का आगाज अम्बेडकर चौक से होगा, जो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री कनेक्ट टू पीपल कैंपेन के तहत आमजन से सीधा संवाद करेंगे। वहीं सीएम के रोड शो से पहले बीजेपी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है, क्योंकि सीएम के स्वागत को लेकर पूरा शहर बैनर और पोस्टर से भरा पड़ा है। वल्लभगढ़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक शारदा राठौर ने चुनाव अधिकारी को लिखित में शिकायत भी दी। पूर्व कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। बल्लभगढ़ में 14 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का रोड शो है और आप जानते हैं कि चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है। किन आचार संहिता का ये उल्लंघन का मामला भी है, इसके ठीक पहले अब सुर्खियों में आ गया है। वल्लभगढ़ की पूर्व विधायक शारदा राठौर ने इस बाबत शिकायत भी की है, लेकिन सबके बीच आपको बता दें कि वल्लभगढ़ में मुख्यमंत्री का आज रोड शो है। सीधे जनता से संवाद स्थापित करेंगे मुख्यमंत्री।